तिलक मेहता का उल्टा चश्मा। सुंदर तू ऐसे अचानक आके झटका मत दिया कर, तू आने से पहले फोन क्यों नहीं करता? जी मैं जानबूझकर आपको फोन नहीं करता। क्यों? सरप्राइज, आपको सरप्राइज देने के लिए। अरे माय डियर जीजा जी, मैं अचानक से आपके सामने आ जाता हूँ और फिर आपके चेहरे का जो भाव बदल जाता है ना, वो देखने की तो मुझे खुशी मिलती है। अंदर भाई मुझे भी। पैर नीचे रख। जीजा जी आप क्या कर रहे हो? मैंने आपको नीचे ही बताया था ना कि ये बहुत बड़ा फाइनेंसर है। अरे फाइनेंसर है तो क्या ऐसा पक्का होके बैठने का? कोई सभ्यता जैसी चीज होती है कि नहीं? फाइनेंसर लोगों को नहीं होती है, फाइनेंसर लोगों को रुपये का रुआब होता है। अरे तो रुआब हो तो अपने घर में देखा, ये मेरा घर है। जीजा जी मैं उससे बात करता हूँ। लुका तेरा पैर नीचे कर दे। क्यों क्यों वाड़ी पैर नीचे रख भाई? दर भाई ये बोले अपने बहु मन पर नहीं लेवा। भाई क्या मन पर नहीं लेवानू? इसलिए मैं ये कहना चाहता था कि आप जीजा जी है, आप बड़े है, आप वडील है, जैसे बापू जी वडील है और वो कुछ भी हमें बोल देते तो हम सुन लेते हैं कि नहीं, ऐसा मैं उसको समझा रहा था। भाई तू पैर नीचे रखने। सर भाई बहुत हो गया, अब बहुत इंसल्ट हो गई मेरी। मैं जा रहा हूँ वापिस अहमदाबाद। चले टबुकड़ा बराबर छे। लुका भाई सुनो, देखो ऐसा जीजा जी का बुरा नहीं लगा था, भाई ना कहूँ भाई तुम्हें सबको भाई। ये क्या सच में बहुत बड़ा फाइनेंसर है? हाँ क्या ना जीजा जी, ये आपने क्या कर दिया? पर मुश्किल से उसको पटाया था। पटाया था मतलब क्या? पार्टनरशिप के लिए मनाया था, उसका शॉर्ट फॉर्म पटाया। मेरे सब बंदे में फाइनेंस करने वाला था, आपने उसे ही नाराज कर दिया। सुंदर भाई। हाँ बोल। टैक्सी का भाड़ा क्या? क्या ये टैक्सी का पूरा भाड़ा फाइनेंसर ही देने वाला था और आपने फाइनेंसर को नाराज कर दिया। वो फाइनेंसर ने नीचे रहके उसको भाड़ा देने से मना कर दिया होगा, है ना? हाँ। तो उसने मना कर दिया तो तू दे दे। कहाँ से दूँ पैसा? मेरे पास तो खीचे में एक कोड़ी नहीं है। अहमदाबाद से बिना पैसे लिए ही निकल पड़ा। हाँ। अरे मेरा साथ तो पूरा पूरा फाइनेंसर था, फिर मुझे पैसे लेने की क्या जरूरत? तो माय डियर जीजा जी आपने पूरी गड़बड़ कर दी। अब एक काम करो, आप इसे पैसे दे दो, बाद में हम हिसाब समझ लेंगे। तो भाई कितना हुआ तेरा? कितना हुआ क्या मालूम तो है, 10,000। माय डियर जीजा जी इसे 10,000 दे दीजिए ना। नहीं उतना रोकड़ा भी घर में नहीं है। सुंदर भाई ATM। हाँ भाई डियर जीजा जी चलो ATM से निकाल के आते। हाँ तो जा निकाल के लेके, मेरी क्या जरूरत है, जाओ। ठीक है लाइए अपना ATM कार्ड दीजिए। अरे तेरे पास कार्ड होगा ना? हाँ है ना मेरे पास कार्ड है, और मेरा कार्ड मेरे पर्स में है, और मेरा पर्स घर पे है, और घर अहमदाबाद में है। और मैंने बताया ना माय डियर जीजा जी मेरे साथ फाइनेंसर था तो मैंने पर्स लिया ही नहीं घर से। तो मेरा कार्ड दुकान में है। ए भाई तू एक काम कर, तू अहमदाबाद पहुंच, अहमदाबाद पहुंचते ही तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। पर मैं यहाँ से अहमदाबाद जाऊँ कैसे? गाड़ी में डीजल नहीं है, डीजल तो भराना पड़ेगा ना। अरे भाई पर तेरे पास तो कार्ड होगा ना, तेरे कार्ड से डीजल भरवा दे और घर चला जा, बाद में मैं तुझे पैसे दे दूंगा। अरे नहीं है कार्ड, जब तक आप मुझे पैसे तो यही दोगे तो मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। तो रे यहाँ, अरे सो रे यहाँ भाई। तो क्या करे माय डियर जीजा जी, परिस्थिति ऐसी है। अरे एक काम करते हैं, टप्पू और बाबू जी के रूप में गद्दा बिछा देते, एक कोने में पड़ा रहेगा। कौन हमारे कमरे में पड़ा रहेगा भाई? तो बापू जी ये टैक्सी वाला जो मैं अहमदाबाद से टैक्सी लेके आया हूँ ना,
ये उसका ड्राइवर है और उसको मुझे भाड़ा देना है। पर प्रॉब्लम ये हुआ है कि मैं अपना पर्स अहमदाबाद में भूल गया हूँ। और माय डियर जीजा जी ये बता रहे हैं कि अभी उनके पास घर में इतने पैसे है नहीं, तो धर्म संकट हुआ। कितने? 10,000। ठीक, मेरे पास है, मैं लेकर आता। बाबूजी एक मिनट, मैं देखता हूँ होंगे शायद, मैं देता हूँ। भाई शांति रखो, मिली जैसे पैसा, अभी उतावल नहीं करवानी। जीजा जी जरा जल्दी करना, मिल गया ना? थैंक यू। चलो निकलो। और सुंदर और बता क्या खबर है हमला? माय डियर जीजा जी, मैं अहमदाबाद जाते ही ये पैसे आपको भेज दूंगा। हाँ गुड्डू भाई बोलिए। क्या? ठीक है, ठीक। ये गणपति बाप्पा के लिए तू जो बड़ा सा हार लेके आया, वो यहाँ गुड्डू भाई फूल वाले की दुकान से लेके आया। हाँ। तो उसको हार के पैसे नहीं दिए? नहीं। क्यों? क्या है, मैंने आपको बताया तो सही माय डियर जीजा जी, मैं अपना पर्स घर पे भूल गया हूँ। पर तभी तो तेरे बाजू में तेरा फाइनेंसर था ना? था। और तभी वो मुझसे नाराज भी नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। हाँ तो क्यों नहीं दिया? अरे क्या है कि उसके पास 2,00,000 का नोटों का बंडल था पूरा, और वो उसे तोड़ के देने ही वाला था कि मैंने उसे रोक दिया। क्यों? उस वक्त मुझे याद आ गया कि अगले महीने भैलू की बहन की शादी है, और शादी में फूलहार और बहुत सारा डेकोरेशन का सामान गुड्डू भाई से ही लेना था, तो मैंने सोचा कि सब पैसे उनको साथ में दे देंगे। तो ये बात गुड्डू भाई को बताई थी? हाँ। तो फिर उसने मुझे अभी फोन करके ऐसा क्यों बोला कि मैं हार का बिल भेज रहा हूँ, आप मेरे को 8,000 रुपया दे देना? ऐसा बोला उन्होंने? एक मिनट, भैलू तूने गुड्डू भाई को बताया कि नहीं कि तेरी बहन की शादी है? नहीं, मुझे लगा आपने बताया होगा उसे। एक काम करिए माय डियर जीजा जी, वो टैक्सी के 10,000 और 8,000 फूल के मैं अहमदाबाद जाके आपको 18,000 भेज देता हूँ। हार के पैसे दिए मैंने, और हार के लिए सबने ताली बजाई सुंदर के लिए। हे गणपति बाप्पा, जो विघ्न देना हो देना, लेकिन मेहरबानी करके किसी को भी सुंदर जैसा साला मत देना। अरे जेठालाल, सुंदरलाल, अरे हे हे इधर ही है। सुंदर भैलू, मैं तुम दोनों को दोबारा यहाँ पे पूछने आया हूँ कि तुम दोनों पक्का गणेश उत्सव में यहाँ पे रुकने वाले हो ना? और रंगारंग कार्यक्रम में हिस्सा भी लेने वाले हो ना? हाँ एकदम। अरे हाँ एकदम जोर शोर से। क्या है, सारा आयोजन मैंने किया है ना, तो बस तुम दोनों का लिस्ट में नाम लिखूं नहीं लिखूं, बस यही पूछना था मुझे। बताइए हमें क्या बनना है? मैं अभी मेहता साहब के पास जा रहा हूँ उनको मिलने के लिए, तो हम लोग डिस्कस करके फाइनल कर लेंगे, फिर जिसको जो भी बनना है मैं मैसेज कर दूंगा। चल भैलू, कहाँ जा रहे हो? अहमदाबाद। अरे अभी तो बोलो, रुक रहे हो, अहमदाबाद जा रहे हो? अरे नहीं नहीं माय डियर जीजा जी, मजाक कर रहे हैं। अरे हम तो बाजू की सोसाइटी में गणपति के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये तो एक काम करना सुंदर, ये बाजू में ना कल्पिता सोसाइटी है, वहाँ की मूर्ति भी बहुत सुंदर होती है, उसके भी दर्शन अवश्य करना। अच्छा, क्या बात है, चलो चलो, चल भैलू दर्शन करना, मस्त रहेगी। चलो जेठालाल, मैं जा रहा हूँ मेहता साहब से मिलने। हाँ मेहता साहब, मैंने एक रफ लिस्ट तैयार कर ली है, आप नजर मार लीजिए, फिर हम लोग फाइनल करते हैं। सबका लिखा कौन क्या बनेगा ना? हाँ हाँ। तो अभी ये लिस्ट फाइनल हो गई। हाँ हाँ फाइनल, अभी ये लिस्ट हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए, अंजलि भाई को पता नहीं चलना चाहिए प्लीज। अरे मैं तो खुद को भी नहीं बताऊंगा कि मैं क्या बनने वाला हूँ। अरे
मेरे कहने का मतलब है कि किसी हालत में नहीं बताऊंगा भाई, सरप्राइज एक एलिमेंट होता है ना। और तो और फंक्शन में ऐसी एक्टिंग करूंगा कि सबको लगेगा कि मैं पहली बार ही देख रहा हूँ, मुझे पहली बार ही पता चल रहा है। लेकिन तुम आदमी अभी को मत बता। अरे सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर एक काम करो, सभी को वो क्या बनने वाले हैं किरदार के नाम के साथ एक SMS कर दो, और ये भी लिख दो कि भाई किसी को बताए नहीं। बिल्कुल, मैं SMS में किरदार के साथ क्लियर लिखने वाला हूँ कि किसी को कुछ ना बताए किरदार के बारे में। पति पत्नी, फैमिली मेंबर, भाई बहन, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अरे तभी तो रंगारंग कार्यक्रम का मजा आएगा ना। बड़े SMS बहुत बढ़िया सोचा तुमने, बिल्कुल यही लिख रहा हूँ। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, एक बार SMS के साथ सभी को पर्सनली फोन भी कर दो, ताकि बिल्कुल अपना काम मजबूत हो जाए कि भाई किसी को कुछ नहीं बताना है, सबको दो बार इन्फॉर्मेशन होगी। नहीं, ये अच्छा आइडिया, सेफ्टी के लिए फोन भी कर देता हूँ। और फोन की शुरुआत चंपक चाचा से करता हूँ। अरे हाँ भिड़े, तेरी बात मैं समझ गया, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अच्छा, जेठिया को भी नहीं बताऊंगा बस। हाँ, और खास करके टप्पू चाचा जी, वो बहुत चालाक है, वो आपको चालाकी से पूछने की कोशिश करेगा, उसे मत बताना प्लीज। तू एक काम कर भाई, किस किस को नहीं बताना है ना, उसका लिस्ट मुझे दे। नहीं, क्या है ना चाचा जी, ये सरप्राइज आखिर तक सरप्राइज है तो मजा आएगा ना, इसलिए बोल रहा हूँ। अरे हाँ भाई हाँ भिंडी मास्टर, तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है। मैं किसी को नहीं बताऊंगा मतलब किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन हाँ सुन, तू भी किसी को मत बताना। अरे मजाक कर रहा हूँ। चल रखता हूँ। अरे वाह, भिड़े ने तो मुझे जबरदस्त किरदार दिया है। माय डियर सीजे जी, अभी भिड़े भाई का मैसेज आया था, उन्होंने गलती से आपको जो मैसेज भेजना था ना वो मुझे भेज दिया, और मुझे जो मैसेज भेजना था ना वो आपको भेज दिया है। अच्छा। हाँ, उन्होंने बोला है कि आप एक काम करो, आप दोनों अंदर अंदर मैसेज एक्सचेंज कर लो। तो एक काम कीजिए, आप मैसेज मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए, मैं अपना वाला मैसेज आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है। पता चल जाएगा चाचा जी क्या बनने वाले हैं। जीजा जी, आपने मैसेज फॉरवर्ड कर दिया पर आपका मैसेज मिला नहीं। तो तेरा भी मैसेज अभी तक मिला नहीं मुझे। भाई सुंदर, तेरी ये चालाकी में मैं फंसने वाला नहीं हूँ। मैं क्या बनने वाला हूँ वो तुझे रात को ही पता चलेगा। कैसे पता लगाऊं कि रोशन और गोगी क्या बनने वाले हैं? आइडिया। ओए गोगी पुत्र, ओ मेरा शेर, ओ तन पता मैं भगत सिंह बनने वाला हूँ, तू क्या बनने वाला है? पापा एक मिनट, रोशन और सू करे छे, हमको किसी को भी बताना नहीं है कि हम फंक्शन में क्या बनने वाले हैं। और रोशन डार्लिंग मेरी पोली पार्सन, वो किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन आपस में एक दूसरे को तो बता ही सकते हैं ना। नहीं, हम एक दूसरे को भी नहीं बता सकते। ओ मेरी मिश्री, मेरी रसमलाई, बता सकते हैं। अच्छा बाबा, बता सकते हैं? तो जरा आपका मैसेज तो बताओ। पापा आपने मैसेज पढ़ा होगा, लेकिन मैसेज के नीचे जो नोट है वो नहीं पढ़ा होगा। नोट में बीड़े अंकल ने क्लियरली लिखा है कि फैमिली मेंबर भी एक दूसरे को बता नहीं सकते कि वो क्या बनने वाले हैं। रोशन, तुझे जो मैसेज आया है ना वो हम दोनों को भी आया है। हम क्या बनने वाले हैं वो अलग अलग है, लेकिन नोट सबका सेम है, समझा चक्रम किठिनो। और पापा, मैं आपका शेर पुत्र हूँ, उल्लू नहीं बना सकते मेनू। ओ तू रैंड दे आरो संदिका। ये चल बोले नहीं। आ गया मैसेज। वाह, यस। अरे को ये बनना है, बड़ा मजा आएगा, मजा आएगा। अय्यर, मुझे ना तुम्हारी एक बात बहुत पसंद है। क्या? ये कि तुम मुझसे कभी भी कुछ नहीं छुपाते हो। बबीता, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन में ऑलवेज ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। एग्जैक्टली। यस। तो जरा बताओ ना, आज रात को तुम कौन सा किरदार निभाने वाले हो? तो ये बात है बबीता, ना मैं तुमको बताएगा कि मैं क्या बनने वाला हूँ, और ना ही मैं तुमको पूछेगा कि तुम क्या बनने वाला है।
आदमी हमने नोट भेजा है कि हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे को अपना कैरेक्टर नहीं बताएगा। ओके ठीक है, फेयर एनफ। दिखाओ ना बाबा, ना बोला ना। अच्छा तुम दिखाओ। मैं भी नहीं दिखा सकता वैसे तो। अरे वाह, वेरी इंटरेस्टिंग, मजा आ जाएगा। मम्मा आपको भी मैसेज आया, दिखाओ। नहीं मैं नहीं दिखाऊंगी। मजा आएगा। अरे वाह, गोकुल धाम के रंगारंग कार्यक्रम में मुझे भी हिस्सा लेना है। मजा आ जाएगा। दुकान बंद करके तैयारी में लग जाता हूँ। बिल्कुल नहीं अंजलि, तुमने पढ़ा ना भिड़े ने क्या लिखा अपने एसएमएस में कि कोई भी किसी को नहीं बताएगा कि वो क्या बन। पर मुझे सोसाइटी में किसी और का जानना भी नहीं है, मुझे सिर्फ आपका जानना है, प्लीज बताइए ना। सॉरी अंजलि, नो 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 नो। आप अपनी पत्नी को भी नहीं बताएंगे, आप मुझसे छुपाएंगे, मुझसे। अंजलि ऐसे पूछोगी तो फिर तो मेरा मन नहीं पिघलेगा, नहीं बताऊंगा। और अगर शाम को मैं आपको गुलाब जामुन और गर्मा गर्म समोसे दूं तो? गुलाब जामुन और समोसे? गर्मा गर्म। पक्का? पक्का। अंजलि 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 मेरी प्यारी प्यारी अंजलि, फिर तो मैं तुम्हें जरूर 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 नहीं बताऊंगा। मैं आज भी रिश्वत में फेंके हुए गुलाब जामुन और समोसे नहीं उठाता अंजलि। लिखा है कि पति पत्नी एक दूसरे को नहीं बता सकते, बरोबर? बरोबर। गोकुल धाम में भी कोई एक दूसरे को कुछ नहीं बताएगा, बरोबर? बरोबर। परिवार में भी कोई भी आपस में एक दूसरे को नहीं बताएगा, बरोबर? बरोबर। पर आयोजक के घर के मेंबर्स तो एक दूसरे को बता सकते हैं, बरोबर? बरोबर। ए ए ए नहीं, ये मस्करी है, मस्करी नहीं, काय झाले तुझं? चिंता मत कीजिए, कोई एक दूसरे को कुछ नहीं बताएगा, हम लोग मजाक कर रहे थे। हाँ बाबा, वैसे भी सरप्राइज में ही असली मजा है। अगली बरोबर। तो गोकुल धाम गणेशोत्सव 2021 का रंगारंग कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। जबरदस्त जबरदस्त। हाँ अरे लाइट वाला, ओ बारी बरसी खटन गए आसी ते खटके ले आंदा, ले आंदा बाबा, ओए खटके ले आंदा छो। अरे ओ भंगड़ा ता सजदा, ओ महफिल ता सजदी जद नचे आसी तुसी सारे। सोटी आज बहुत खुश लग रहे तू। अरे सोटी भाई तो हमेशा खुश ही होते हैं। ओ यारो, ओ इतने टाइम बाद गोकुलधाम सोसाइटी में ऐसा रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है कि दिल खुश हो गया। सोड़ी भाई आए रहे कि धमाल चोरो। सो बोलू मानवी भाभी, मारो रोशन टंटन खेलो च खेलो। ओहो क्या बात है, क्या बात है। श्री गणेश उत्सव 2021। ओ बबड़ला, अरे बबड़न तक क्या कर रहे हो जठालाल? अरे तुम क्या कर रहे हो सीधे स्टेज पे, क्या जा रहे हो तुम? क्या आज के चिपकेस तो? अरे भाई मैं स्टेज का डेकोरेशन देखने जा रहा था। तो भाई दूर से देखा, नजदीक से देखने की क्या जरूरत है? चश्मे का नंबर बदल गया क्या? अरे कुछ नहीं बदला है भाई, शुभ शुभ बोलो। वाओ क्या बात है। हाय हाय एवरीवन, हाय हाय हाय, वाओ ब्यूटीफुल डेकोरेशंस यार, क्या बात है, वेल डन।
साथियों, गोकुलधाम सोसाइटी में गणेशोत्सव 2021 का शुभारंभ हो चुका है। इस गणेशोत्सव पे जो हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं वो आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित है। इस कार्यक्रम में कुछ अनूठा होगा, कुछ अनुपम होगा, कुछ अद्वितीय होगा। इस कार्यक्रम में हम देश के स्वतंत्रता सेनानियों को याद करेंगे, हमारे शहीदों को याद करेंगे, उन्हें अपनी ओर से श्रद्धांजलि प्रस्तुत करेंगे। और श्रद्धांजलि के क्रम में हम ये करने जा रहे हैं कि हम सभी गोकुलधाम निवासी शहीदों का, स्वतंत्रता सेनानियों का किरदार यहाँ पे जीवंत करेंगे, उसे अभिनीत करेंगे और इस मंच पे इस तरह से अपनी श्रद्धांजलि देंगे। और आप भी घर पे एक छोटा सा काम कीजिए, कलम लीजिए, एक कॉपी लीजिए और आप भी शहीदों की और स्वतंत्रता सेनानियों की एक लिस्ट बनाइए और फिर सोचिए कि यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में हम में से कौन क्या बनेगा और क्या प्रस्तुत करेगा। उसके बाद देखिए कि आपके नाम, आपकी सोच क्या बिल्कुल सही साबित होती है। और यहाँ एक चीज और होगी, देशभक्ति के इस अनूठे रंग के साथ हास्य का तड़का भी होगा। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.